डी और कामा क्षेत्रों में भी कुछ कॉलोनियों में जलभराव की समस्या की बात आई थी, तो इसलिए आज मौके पर आकर के उसको देखा गया है। और यहाँ की जो स्थिति है उसमें मुख्य तौर पर जो स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि डीग और कामा क्षेत्रों में भी कुछ कॉलोनियों में जलभराव की समस्या की बात आई थी, तो इसलिए आज मौके पर आकर के उसको देखा गया है। और यहाँ की जो स्थिति है उसमें मुख्य तौर पर जो स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि जो पानी निकलने का रास्ता था उसके अतिक्रमण के कारण ये पानी आगे नहीं निकल पा रहा है, तो इस बात को लेकर भी कलेक्टर साहब से बात कर लेंगे। इसके अलावा जो लोग ऐसी जगहों पर फंसे हुए जो परिवार, उनके लिए पानी की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था ये कराने के लिए भी बात करके वो व्यवस्था भी करा दी जाएगी। प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या राहत की गई? प्रशासन की तरफ से लगातार काम चल रहा है और मोटर लगा करके पानी बाहर निकाला जा रहा है। नगर परिषद जो है उसको लगातार निर्देशित किया गया है कलेक्टर साहब की तरफ से, और मेरे ख्याल से अगर बारिश अभी आज नहीं होती है तो यहाँ का पानी भी बाहर निकल जाएगा। थैंक यू। वो गली है सर, तो उधर भी सर पैक है आगे नहीं। या खाई में थी सामने पट को पहले दिन हो इनने नगर पालिका वाली ने खाई में अगर नाम दियो पानी इतना ना है ना प्लान एकदम नरक पड़ने को पानी ना बाहर में खाई नहर में बरसात का पानी इतना ना है सब घेरो करो भरत को जब के खाई तो भरत है।